मुल्क भर में शदीद जलजले के झटके, मंगला डैम के करीब सड़कों पर दरारें पड़ गई, पानी के रसाव का खतरा। जातला गांव में भी नहर का बंध टूट गया, पानी का तेज बहाव देहातों में दाखिल। जबकि तरबेला डैम में 900 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकलने के खतरे के बाद नेशनल ग्रिड को 700 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई। शदीद जलजले के बाद सड़कों में शिगाफ दरारें पड़ गईं, मंगला डैम को भी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। जबकि शाता गांव में करीबी नहर का बंध टूटने से पानी का तेज बहाव देहातों में दाखिल हो गया। जलजले से मीरपुर भिम्बर के दरमियान दो पुलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ 900 मेगावाट शॉर्टफॉल के बाद मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग का खदशा था, जिस पर मंगला पावर हाउस से नेशनल ग्रिड को 700 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक मंगला डैम से पानी का बहाव जलजले के वक्त रोका गया था, पानी का बहाव दोबारा खोल दिया गया है। 4 से 5 दिनों में नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। तर्जुमान बाबरा का कहना है कि जलजले की वजह से मंगला झील का पानी गदला हो गया है। हिफाजती इकदाम के पेश नजर मंगला पावर हाउस के टर्बाइन बंद कर दिए गए। याद रहे मीरपुर के इलाके में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मंगला डैम है। जलजले से मंगला डैम के करीब सड़क पर दरार पड़ गई है, जिसके बाद पानी के रिसाव का खतरा है।